कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी क्या बनने वाले हैं गुलाम नबी आजाद? क्या लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा धमाका करने का मन बना चुके हैं चौधरी? कुछ ऐसे ही सवाल आज राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं। उनका वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के प्रति सख्त रुख अपनाना क्या साबित करता है? आगे बढ़े उससे पहले आइए सुनते हैं वीरवार को उनका दिया हुआ एक बयान। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो यह कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते, तो इसके लिए सतर्कता बरतते हुए ईडी वालों को और ज्यादा फौज को शामिल करते हुए किसी के खिलाफ दबोच करना या किसी को हिरासत में लेना, कोई संपत्तियों को बरामद करना, जो भी कदम उठाए, साथ में भारी भरकम सिक्योरिटी फोर्सेस को लेना चाहिए, ये मैं जरूर कहना चाहते हैं। क्योंकि बंगाल में ये सारे आदि हैं, आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर खत्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें मुझ जैसे लोगों के लिए ये अचरज की बात नहीं होगी। सुन लिया आपने, चौधरी साहब को अच्छी तरह से पता है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ममता बनर्जी। जब से इंडिया गठबंधन बनने की पहल शुरू हुई थी तभी से ममता बनर्जी गठबंधन की हर बैठकों में भाग लेती आ रही हैं। बावजूद इसके अधीर रंजन चौधरी का ममता और उनकी सरकार को लेकर ऐसा बोलना कहीं न कहीं संदेह तो पैदा करता ही है। उनके वीरवार के बयान की अभी चर्चा हो ही रही थी कि शुक्रवार को उनका बयान ईडी के समर्थन में आ गया। वेस्ट बंगाल में शुक्रवार को ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले के बाद जिस तरह उन्होंने ईडी का बचाव किया और ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया, उसे देखकर और सुनकर संदेह और गहरा गया। पहले उनका बयान सुनते हैं। ममता बनर्जी की जो असली मकसद सबको पता चला, पहले से ये कह रहे हैं कि बंगाल में हम दो सीट देंगे और वो दो सीटें जहां हमारे जीत पहले भी हो चुके हैं और दो सीटें जहां कांग्रेस एमपी है, तो हमें क्या नया चीज देते हैं? और ये दो सीटें हम जीते थे ममता बनर्जी को और बीजेपी को हरा कर, तो क्या दया करेंगे? हमें क्या दया करेगी ममता बनर्जी? उनकी दया को कौन भरोसा करती है? अगर बचने के लिए उनको कांग्रेस की जरूरत होती है, ममता को बचने के लिए कांग्रेस की जरूरत ममता की है। कांग्रेस अपने दम पर ये दो सीट में लड़ेंगे, इससे ज्यादा सीट में लड़ने का हमारी ताकत है, हिम्मत है, हमारे साधन है, हम लड़के दिखाएंगे। ममता की दया से ये दोनों सीट हमें रखने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी दया से मतलब नहीं, हम नहीं मांगते हैं। क्या दो सीट देगी वो? दो सीट तो हमारे हैं, वो क्या नई तरीके से क्या देगी? वो गठबंधन की राजनीति नहीं करेगी, क्योंकि गठबंधन की ज्यादा राजनीति करेगी तो मोदी जी की गुस्सा आ जाएगी और मोदी जी को जिसमें गुस्सा आते हैं ममता जी वो कम नहीं करती है। अधीर रंजन चौधरी के मन में जो चल रहा है निश्चित तौर पर उसकी जानकारी उन्हें तो होगी ही, लेकिन उनकी बेबाक टिप्पणी बहुतों को सोचने पर जरूर मजबूर कर रही है। हालांकि संभव है कि कांग्रेस की तरफ से ही उन्हें कुछ ऐसे बयान देने की सलाह दी गई होगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब इंडिया गठबंधन की एक बैठक चल रही थी तो ममता बनर्जी ने बिना सोचे समझे ही गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया था। उस समय गठबंधन के कई नेताओं को उनका बयान नागवार गुजरा था। शायद ममता की उस बात से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए थे। पूरे देश ने देखा कि इंडिया गठबंधन की उस बैठक के बाद कितनी उथल पुथल मची थी। नीतीश कुमार की पार्टी में ही बगावत की बू आने लगी थी। आनंद फानन में नीतीश कुमार ने पार्टी की बैठक करके जनता दल यूनाइटेड की कमान खुद ही संभाल ली थी, जबकि पार्टी अध्यक्ष रहे ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। संभव है कि ममता की उस बात से नाराज गठबंधन के अन्य नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए अधीर रंजन चौधरी ममता और उनकी सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हों। वैसे राजनीति में सब कुछ संभव है। पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े नेता अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं।
और जो नहीं भी शामिल हुए वो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। ऐसे ही एक नेता हैं गुलाम नबी आजाद। वर्षों तक कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में रहते हुए वो केंद्रीय मंत्री बने, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। महाराष्ट्र में अजीत पवार इसके ताजा उदाहरण है। पूरे देश ने देखा कि उन्होंने अपने फायदे के लिए किस तरह से अपने ही चाचा का साथ छोड़ दिया था और बीजेपी का दामन थाम लिया था। लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, ऐसे में बहुत से नेता अपने अपने नफे नुकसान का हिसाब जरूर लगा रहे होंगे। अगर अधीर रंजन चौधरी भी उन जैसे नेताओं की सूची में शामिल हो जाते हैं जो अपनी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी के पाले में चले गए थे, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, समय डिजिटल।